हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज हम एक बहुत ही अच्छा पोएम जो है जो कि एनसीईआरटी के सिलेबस में एनसीईआरटी बुक में है वो हम कवर करने जा रहे हैं, छाया मत छूना। इसको लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने, इसके जो पोएट हैं गिरिजा कुमार माथुर। और इस टाइम पे में जब ये लिखा गया था तो पोएट ऐसी वैसे पोएम लिखने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे जिसका एक अलग से मीनिंग हो, मतलब सिर्फ सिंपल हम लैंग्वेज पढ़ के नहीं समझ सकते हैं, वैसा पोएम लिखने में काफ़ी इंटरेस्टेड होते थे। तो ये जो पोएम है इसमें भी ऐसा ही मीनिंग है और काफ़ी इंटरेस्टेड है, हमें काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा इस पोएम से। तो हम लोग शुरू करते हैं इस पोएम को। पोएम का जो टाइटल है वो है छाया मत छूना। छाया मत छूना मन होगा दुख दूना, जीवन में है सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैलाए फैली मन भावनी, तन सुगंध शेष रही बीत गई यामिनी, कुंतल के फूलों की याद बन जानी, भोली सी एक छुवन बनता है जीवित क्षण, जीवित क्षण छाया मत छूना मन होगा दुख। अब यहाँ पे जो पहला लाइन है छाया मत छूना या फिर जो हमारे पोएम का टाइटल है छाया मत छूना, तो इसका क्या अर्थ है? छाया मत छूना, छाया से हम बेसिकली क्या समझते हैं कि छाया क्या है, शैडो, किसी भी इंसान का जो शैडो है वो समझते हैं। लेकिन पोएट ऐसा कभी नहीं कहता है। पोएट का कहना है कि छाया मीन्स पास्ट, जो हमारा पास्ट है उसे हम छाया बोल रहे हैं। तो पोएट कह रहा है कि पास्ट को कभी हमें टच नहीं करना चाहिए, जो भी पास्ट है उसे लेकर के हमें आज में नहीं वेट करना चाहिए, जो हमारे फ्यूचर जो प्रेजेंट है उसमें हमें चलना चाहिए। ये कह रहे हैं कि जब तुम पास्ट को छूओगे तो तुम्हारे जो मन है वो दुगुना दुखी होगा और डूब जाएगा, ठीक है, अगर तुम दुखी हो तो। जीवन में हर सुरंग सुधियां सुहावनी, छवियों की चित्र गंध फैली मन भावनी। ये कह रहे हैं कि पास्ट जो है ना वो कैसा है, एक सुरंग के टाइप का, तो उसमें जो फूल की जो मतलब गमक है वो फैली हुई, किस तरह से उसमें जो लोग आए गए हमारे साथ जिसके हम कॉन्टैक्ट में आए हैं वो लोग की तरह है। और वो बहुत मनभावनी होती है, बहुत ही अच्छी यादें हैं वो, ये बताते हैं पोएट। और ये अपने उस प्रियतम के बारे में बता रही है जो उसकी उस टाइम मतलब नहीं होगी उसके साथ, क्योंकि अब उसके लाइफ में नहीं है, तो उसके बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कि वो भी आई थी, वो पल जो था बहुत ही अच्छा पल था, वो भी उसके लाइफ में पोएट की लाइफ में वो नहीं है। और वो कहते हैं कि बोली से एक छुवन बनता है जीवित क्षण, और वो जो उसके बालों पे जो फूल लगाती है तो जो गजरा होता था जो भी चीज़ है उसको जब वो अपने हाथों से जो टच करते थे तो वो बोलते कि वो सिर्फ जो महसूस कर पा रहे हैं वो नमक को उसका ब्यूटी था उसको, लेकिन अभी वो उसकी लाइफ में नहीं है। वो बोली सी एक छोर बनता हर जीवित क्षण, कह रहे हैं कि अगर तुम अगर एक भी खुशी के मोमेंट को अगर तुम रिमेम्बर कर लेते हो अभी, मतलब याद कर लेते हो पास्ट से, यानी कि कोई भी छाया टच कर लेते हो जो कि कैसा है खुशी का था, तो अभी एकदम तुमको दुखी कर ही देगा वो पर। तो इसीलिए हमको क्या नहीं करना चाहिए, छाया मत छूना मन होगा दुख दूना। इसीलिए हम लोगों को कभी भी पास्ट को रिमेम्बर नहीं करना चाहिए, पास्ट को टच नहीं करना चाहिए। आगे बोलते हैं कि यस है या ना वैभव है, मान है ना शर्मा सर माया, जितना ही दौड़ा तुम उतना ही भरमाया, प्रभुता का शरण बिंब केवल मेरे कृष्णा है, हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा, जो है अतार्थ कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मत छूना मन होगा दुख। अब यहाँ पे कुछ लाइन्स हैं, कुछ वर्ड्स हैं जिनकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला है मृग तृष्णा, मृग मतलब होता है हिरण, और तृष्णा मतलब होता है खोज, यानी जिसको हम लोग खोजते हैं तृष्णा भटकना। अब ऐसा एक स्टोरी मान के चलो कि एक स्टोरी था जो हम लोग को हमारे टीचर्स ने उस टाइम पढ़ाया था कि एक हिरण होता है उसके अंदर एक गमक होता है, बहुत ही ब्यूटीफुल वो गमक होता है, वो हिरण के ही अंदर होता है, लेकिन हिरण इस बात में पूरा जंगल ढूंढते रहता है, दौड़ते रहता है कि आखिर ये गमक आ कहाँ से रही है, मतलब ये जो खुशबू है वो आ कहाँ से रही है, और वो पूरा जंगल ढूंढता है लेकिन उसे कभी ये पता ही नहीं चलता है कि वो खुशबू किसके अंदर है उसके। मृग तृष्णा मतलब होता है छल, दिखावा। जैसे हम लोग गर्मी के दिन में अगर रास्ते पे चलते हैं तो जब पूरा स्ट्रीट लाइट अगर वो रास्ता हो और पीच वाला, तो उसमें क्या होता है हमें दूर से लगता है कि आगे कहीं पानी जमा है, लेकिन वहाँ पे पानी जमा नहीं होता है, इसको हम लोग बोलते हैं मृग तृष्णा। अब यहाँ पे है कृष्णा, कृष्णा का मतलब क्या होता है, कृष्णा का अर्थ होता है डार्कनेस, शैडो, सॉरी डार्कनेस, तो जो भी काला चीज है उसको हम लोग क्या बोलते हैं कृष्णा बोलते हैं। जो यस है या ना विभव है,
मान है ना सरमाया, जितना ही तू गोरा तू उतना ही भरमाया। वो बोल रहे हैं कि हमारे जो हम इंसान हैं उसके पास संसाधन की कमी नहीं है, संसाधन जो क्या है भरपूर है, जितना आपको हो सकता है उतना आपके पास अगर पैसा है, यश है, वैभव है, उसके बाद भी आप क्या करते हैं उसको आगे के लिए कॉरपोरेट ढूंढते रहते हैं, जितना आता है उससे ज्यादा की हमेशा इच्छा करते हैं। मतलब कहने का अर्थ है कि अगर आपके पास भी साइकिल है तो बाइक लेने की कोशिश करते हैं, सोचते हैं, और जब बाइक आता है तो आप कार, और पीछे तरह से आप हमेशा महंगी कार या स्पोर्ट्स कार, ऐसा ही चलता रहता है। तो आपके पास क्या है शांति मतलब नहीं है, आप हमेशा दौड़ते रहते हैं सिक्का कमाने के लिए कि हमारे पास भरपूर हो जाए, भरपूर बस होता ही जाए, बस इसके लिए हम क्या करते हैं दौड़ते रहते हैं। और आप जितना दौड़ेंगे उतना आपका मन और भी करेगा दौड़ने को, कि अगर आपके पास पैसे आ गए हैं, आपको 50,000 की उम्मीद थी, 50,000 आपने कमा लिए, तो आपको लगेगा कि 5 लाख कमा लिया, फिर 5 लाख के बाद आपको लगेगा कि 50 लाख कमा लिया, इसी तरह से चलता रहेगा। आगे बोलता है प्रभुता कसन भी केवल मृत तृष्णा, ये क्या केवल मृत तृष्णा, ये भ्रम है, ये कुछ है नहीं। हर चंद्रिका में छिपी एक रात कृष्णा है, जो है अर्थात कठिन उसका तू कर पूजन, छाया मन दूर। देखो हर चंद्रिका मतलब चंद्रिका मतलब चांदनी रात, और ठीक है अमावस्या, अमावस्या कृष्ण मतलब अमावस्या की रात, तो जो खुशी है उसके बाद मतलब गम आएगा ही और गम के बाद खुशी आएगा ही, इस बात को माइंड में रख करके हमें चलना है। अगला आगे पोयम बोलता है कि दुविधा हर साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं, दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर, जो ना मिला भूल उसे करतू भविष्य वरण, छाया मत छूना मत होना हो दुख दुना। देखो यहाँ क्या बोल रहा है कि कुछ ला इसमें वर्ड्स हैं कि शरद रात भी स्वर्ग है, दुख की रात, दुख के टाइम को हम लोग पोयम में शरद लिखते हैं, पोयम में अगर शरद का यूज हुआ है तो इसका 90% चांसेस है कि वो दुख की बात कर रहा है, ठीक है, उसके स्ट्रगल टाइम की बात कर रहा है। इसीलिए हम लोग इंग्लिश पोयम में बात करें विंटर, विंटर अगर हम लोग का यूज होता है कहीं पे भी, तो विंटर का मतलब क्या हो गया कि वो अपने दुखों के दिनों को शो करना चाहता है, कि वो किस तरह से स्ट्रगल कर रहा है, या फिर जो उसकी बॉडी का जो पेन है, या फिर जो फिजिक उसको जो भी मेंटली जो भी होगा वो भी वो किसमें है सौरों में है, बस सौरों को शो करता है विंटर। इसलिए शरद का मतलब क्या हो गया उसके दुख। और यहाँ पे एक और लाइन है बस यही था, आगे बता दे द्विधा हर साहस है दिखता है पंथ नहीं, देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। जैसे अभी हम लोग अभी आपको 10th में है, 10th के बाद आप फिर 11th जाएंगे, तो 11th जाने से पहले आपके पास काफी सारे रास्ते खुल जाते हैं कि हम आइए मतलब एडमिशन आर्ट्स में ले, कॉमर्स में ले, या फिर साइंस में ले, या कोई और ही ब्रांच मतलब आप जो भी मतलब वहाँ से और भी आप कहीं जा सकते हैं कि चलो बिजनेस कर लेते हैं, खेती बाड़ी कर लेते हैं, घर का जो काम है उसी में चल हो जाता है, तो काफ़ी सारे मार्ग वहाँ पे आपको दुविधा पैदा कर देते हैं। यही बोल रहे हैं जब काफ़ी सारे मार्ग हमारे पास खुल जाते हैं तो हम दुविधा में हो जाते हैं, और हम कह रहे हैं कि देह सुखी हो पर मन के दुख का अंत नहीं। अब देह अगर आपका कितना भी सुखी है, आप मतलब फिजिकली आप जो आपका जो मटेरियलिस्टिक चीजों से आप मतलब भौतिक सुखों से आप अगर कितना भी सुख है, अगर आपका जो मन है वो दुख सुख नहीं है तो आप कहीं ना कहीं दुखी में है, वो सारे सुख को आपका खत्म कर देता है। मतलब इसको ऐसे समझो कि अगर आपको आपके पास बहुत सारा पैसा है सब चीज़ है, लेकिन आप उसको खाने के लिए भी कोई नहीं है, तो ये क्या मतलब कोई इंजॉय भी नहीं कर पाओगे। अब दिन रात अगर खर्च ही नहीं हो तो आप खाए, दिन में खूब पैसा कमा रहे लेकिन दिन में खर्च बस सोना खटना सोना खटना, तो क्या इसका स्थिति होगा वो ये बता रहे हैं कि मन जब खुश नहीं है तब तक आप खुश नहीं। दुख है ना चांद खिला शरद रात आने पर, क्या हुआ जो खिला फूल रस बसंत जाने पर। ये कह रहे हैं कि शरद रात आने पर चांद नहीं खिला, मतलब जब इसके दुख के टाइम था तब तो इसको कभी भी सुखी भी सुख होने का कोई अवसर मिला ही नहीं, तो अब मतलब चांद खिल के क्या फायदा, जब शरद रात चली गई तो मतलब अब तो स्ट्रगल चली गया तो फिर खिल के क्या फायदा, वसंत बीत गया तब जाकर के खिलने का क्या फायदा है, ठीक है। जो ना मिला भूल उसे करतु भविष्य वरण, छाया मुख छूना मन होगा तो नहीं। अब कह रहे हैं कि क्या आपको जितने भविष्य है उसको बनाने के लिए आपको भूल कर चलना चाहिए, भूल जाओ पीछे क्या हुआ था उसको भूल जाओ और भविष्य
बनाने के लिए निकल पड़ो, ठीक है। छाया मत छूना, मन होगा दुख दूना, छाया को कभी नहीं छूना चाहिए हमें, पास्ट को भूलो और आप आगे भविष्य को बनाने के लिए चलो। ये कविता थी, इसको लिखा है गिरिजा कुमार माथुर ने, और ये क्लास एनसीईआरटी बुक का है, और काफी मैसेज बहुत सारे हैं इस पोएम में। जो वर्ड्स थे वो हमने आपको बता दिए, करंट वर्ड्स जिसको समझना है वो है शरद रात हमने की दुख के दिन हो गए, बसंत मतलब अच्छे दिन, बसंत मतलब अच्छे दिन होते हैं उसको हम लोग बसंत बोलते हैं। हमको जो स्प्रिंग टाइप इंग्लिश में भी सेम होता है, इंग्लिश में हम स्प्रिंग से खुशी के दिनों को शो करते हैं, स्प्रिंग टाइम पर हम लोग स्प्रिंग टाइम का यूज करते हैं, तो इसका अर्थ हम खुशी के दिनों की बात करते हैं, ठीक है। और ऐसा कुछ है नहीं इसमें, और जो वर्ड थे हमने आपको बता दिए सारे, तो मृग जिसना एक था और कृष्णा, तो मेरे भी ये दोनों भी आपको बता दिए, कृष्णा मिस अमावस्या काली रात, और मृग जिसना मतलब ब्रह्म, कहीं ना कहीं ब्रह्म में जो पड़ जाते हैं उसको। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज शेयर इट अमंग योर फ्रेंड्स, एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड क्लिक द बेल बटन।